सिखाऊंगी, हम जैसे लोगों पे इल्जाम लगाना बंद कर देगी तू। क्यों मैं क्यों साइड हो जाऊं? मामा जाके बैठो यहाँ। मैं सबसे पहले मैं आई थी, सबसे पहले इंटरव्यू में मेरा नंबर है, तो आप और जाके बैठो। लड़के बैठे हुए तो मैं क्या करूँ, अपनी गोदी में थोड़ी ना बिठाऊंगी, वहाँ जाके बैठ जाओ। अरे मेरा दिमाग मत खराब करो, वहाँ जाके बैठ जाओ, मेरी गोदी में बैठ जाओगे क्या? मैम आप यहाँ आके बैठ जाओ, मैं खड़ा हो जाता हूँ। मैं तुम्हें चोर दिख रही हूँ क्या, पागल हो गया? मेरे पैसे तो यहाँ पे, पैसे कहाँ मेरे? मैं तुम्हें चोर दिख रही हूँ क्या? आप इनकी जेब में चेक कीजिए। मेरे जेब में कोई पैसे वैसे नहीं है, मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई हूँ, चोरी करने नहीं आई हूँ। मैम जी आप इनकी जेब चेक कीजिए। क्यों, मेरे जेब में कुछ नहीं है, मैं क्यों चेक कर रहा हूँ? नहीं मेरी जेब में कुछ है ही नहीं, मैं यहाँ चोरी करने आई हूँ क्या? मैं तुम्हें चोर दिख रही हूँ? आप लोग के इंटरव्यू के लिए मैंने आपकी एलिजिबिलिटी तो चेक करी है, क्वालिफिकेशन वगैरह देखी है, और हम आपको नहीं रख सकते। अभी तो हम मिले भी नहीं हैं सर, आपने कैसे पता कर लिया? आपने इनके साथ क्या बिहेव किया है? एक प्रेग्नेंट लेडी को आपने लात मारी है? वो मुझे चोर बोल रही। अच्छा चोर बोल रही थी, तो आप चोर नहीं हो? नहीं है। अपनी पॉकेट में हाथ डालिए, पैसे किसके हैं? निकालो। ये पैसे किसके हैं? इन्हीं के हैं ना, उनको रिटर्न कीजिए। और चोर चोरी होता है हमेशा, ठीक है? सॉरी, उसको सॉरी कीजिए, आपने जो उसके साथ मिसबिहेव किया है। आपको ये जॉब नहीं मिल सकती, आप जाइए प्लीज। इतना एटीट्यूड और इतने चोरी करने के बाद मैं आपको जॉब नहीं दे सकता हूँ, ठीक है? आप जा सकते हैं। कोई नहीं, आप घबराओ मत, तत्ता पे पानी पीजिए और आप टेंशन मत लो, ये जॉब आपको ही मिलेगी मैम। थैंक यू सर। और एक चीज बताओ, जैसे को तैसा जरूर मिलता है, जैसे उसने आपके साथ किया ना वैसा उसके साथ भी हो गया, ठीक है? ऊपर वाला सब देखता है, ठीक है? आप जा सकते हैं आराम से, ठीक है? थैंक यू सर।